इंदौर में अब कोरोना पूरी तरीके से पैर पसार रहा है। कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन की सख्ती भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में 3 दिन पहले आसपास के दोनों घरों में करीब 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। इसी के चलते पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। इस बीच क्षेत्र में रहवासी डॉक्टर मनप्रीत भाटिया और शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के 5 महीने होने तक भी क्षेत्र में सैनिटाइज नहीं किया गया। ऐप पर शिकायत करने पर सैनिटाइज के नाम पर भी पैसे लिए जा रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सील नहीं किया गया है, ना ही आसपास के घरों में लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जिस बिल्डिंग से मरीज निकले हैं वहां से लगी बैंक अभी भी चालू है। इंदौर से ब्यूरो के साथ मंथन सेन और गणेश की रिपोर्ट। सर, एक्चुअली हम लोग धन्वंतरी नगर के निवासी हैं, यहीं से हम लोग सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। मैं डॉक्टर मनप्रीत कौर भाटिया यहीं पर रहती हूँ। हमारे यहाँ 20 तारीख को 2 पेशेंट निकले हैं पास में कोरोना पॉजिटिव। 21 को भी 1 पेशेंट निकला है, वो भी आंटी को लेकर गए हैं। 22 को आप देखिए 2-3 और पेशेंट को लेकर गए हैं। पर एट दैट टाइम हम लोग अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने खुद ने यहाँ पर बांस से या पूरा पैक किया हुआ है जिससे कोई भी इस साइड ना आ सके। पर मुझे गवर्नमेंट से एक ही शिकायत है कि यहाँ पर कुछ भी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, ना यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हैं या हम यहाँ पर स्टार्टिंग से अभी तक कोई सैनिटाइज नहीं हुआ है। मैंने कल शाम में 311 जो ऐप है उस पर मैंने उसमें रिपोर्ट की थी, उन्होंने मुझे उनका पॉजिटिव रिस्पांस था, नो डाउट। उन्होंने बंदा भी भेजा वहाँ से, एक पर्सन आया, उसने पूरा देखा, सब कुछ किया वो, पर उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था। उसने मुश्किल से हमारी जाली की, हम लोग सब यहाँ पर थे, हमको पूरी गली सैनिटाइज करवानी है हमारी, पर उन्होंने बिल्कुल भी इसको पॉजिटिव नहीं लिया और ना बड़ा टैंकर भेजा, कुछ नहीं भेजा। बोले जब सुविधा होगी हम कर जाएंगे मैडम, तो इतना सा करके वो चले गए। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी गली सैनिटाइज की जाए। हम लोग बहुत रिस्क फैक्टर में हैं अभी, इतने ज़्यादा पेशेंट अगर यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकले तो आप बताइए हम आम जनता क्या करेगी यहाँ पर। आपने आपके स्तर पर क्या क्या तैयारियाँ की गई है और क्या सुरक्षा के आपने अपनी तैयारी की गई थी कि जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रशासन की पूरी लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है राजनगर क्षेत्र में जी। तो आपने किस क्या तैयारियाँ खुद के लिए की गई थी? सर, स्टार्टिंग में तो हम लोग सब इतने एक्चुअली हम लोग सभी पूरी जितनी भी यहाँ फैमिलीज हैं वो सब हाईली क्वालिफाइड हैं। सब लोग हम फैमिली की तरह रहते हैं, फिर भी हम ना एक दूसरे के घर जा रहे हैं। हम लोगों ने होम क्वारंटाइन सभी को किया, हम लोग सब घर के अंदर हैं। अभी हम आज आप मान के चलिए ये मैं बाहर आई हूँ, लास्ट 4 मंथ से मैं बाहर नहीं निकली हूँ, आज बाहर निकली हूँ, वो भी आप लोग आए तो खड़ी हुई हूँ यहाँ पर। तो हम लोग सभी इतने सेफ्टी पर्पज़ से रह रहे हैं। पर यह है कि गवर्नमेंट का भी अपना कुछ काम होता है, वो सैनिटाइज करवा दे। आज 4th दिन है हम लोगों का, हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। एक तो इतनी ख़राब ये महामारी आई है जिसके कारण हम लोग सभी बहुत परेशान हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरी बात पहुंचा पाएँ गवर्नमेंट तक, कि एटलीस्ट जहां पॉजिटिव निकले वहां सेटिस्फैक्शन के तौर पे भी तो आप सैनिटाइज करवा सकते हैं। हम लोग कितना डर जाते हैं। आपका पूरा नाम? डॉक्टर मनप्रीत कौर भाटिया, आई एम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। लगातार कोरोना के आंकड़ों में इंदौर में तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। इस बीच प्रशासन भी कई बार कहता है कि हमने इंदौर में सख्तियों की बात कर दी गई है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यहां पर 3 दिन पहले ही एक आसपास के दोनों घरों से पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, कुल संख्या में 6 मरीज पाए गए थे। इस बीच क्षेत्र में किसी भी प्रकार से प्रशासन की पूरी लापरवाही सामने देखने को मिल सकती है। इसी बीच हम आज के रहवासियों से यहाँ के रहवासियों से मौजूद से बात करेंगे। सर, देखा गया कि राजेंद्र नगर क्षेत्र में जो है तेज़ी से कोरोना के आंकड़े बढ़े थे और प्रशासन भी कहीं लापरवाही सामने आ गई थी, तो इसमें देखा गया है कि यहाँ के लोगों ने ही अपने स्तर पर सुविधाएं करी गई थी और प्रशासन की तरफ से कोई सेवाएं नहीं दी गई है। हमारे बैंक हैं यहाँ पे पास में, 2-2 बैंक हैंगे, 3-3 बैंक हैंगे। यहाँ अभी निकला था 8-10 दिन पहले, यहाँ एक परिवार को 4 जने पॉजिटिव निकले थे। उसके बाद धन्वंतरी नगर में 20 तारीख को 2 परिवार पास हैं, उनके वहाँ भी निकले हैं, 5 जने वहाँ निकले हैं। मगर शासन की किसी प्रकार से ना तो कोई बैरिकेड लगाए हैं, ना कोई उन्हें कोई सैनिटाइज करा हैगा। अभी ना नगर निगम वाले नहीं आए, मकान में कोई जज्बा नहीं करा गया है कि यहाँ पे भैया कोरोना पेशेंट हैं। कॉलोनी, पूरी कॉलोनी के लोग, अभी आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, पूरी गली के लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे गली को पूरे सैनिटाइज करा जाए। क्योंकि जब पास के मकानों में 2 मकानों में एक साथ पेशेंट निकले हैं, 5 पेशेंट निकले हैं, 7 पेशेंट निकले हैं, मगर शासन की पूर्ण लापरवाही है। और
अभी आप देखिए कोई बैरिकेड्स नहीं लगे, उन लोगों ने बेचारों ने खुद अपने हाथ से बांस बल्ली जैसी भी उन्होंने व्यवस्था करी वो कर ली है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बैंक में भी आप देखिए कितनी भीड़ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा यही है कि कम से कम इस चीज़ पर शासन ध्यान तो दे, इतनी खतरनाक बीमारी। अभी आप उनसे पूछिएगा धनवंतरी नगर में निकला है जो, कि उनके वहाँ जाके उनको बोला गया कि 10 पैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से हम आपके आसपास के मकान सैनिटाइज करेंगे। मेरे ख्याल से शासन का कोई ऐसा नियम नहीं है, मगर नगर निगम वाले गए थे, आप वहाँ के लोगों से भी पूछ लीजिए। 10 पैसे के हिसाब से उनने बताया कि पर स्क्वायर फीट पैसे लगेंगे। तो ये कब तक शासन की ऐसी लापरवाही चलेगी और हम कब तक इस तरीके से, मतलब ये अब राजेंद्र नगर में तो कोरोना ने पैर फैला लिए हैं, घर घर आने वाले समय पर ये हो जाएगा। तो मेरा ये शासन से निवेदन है कि जो भी है इस ओर सख्ती से ध्यान दिया जाए। कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि यहाँ ध्यान दिया जाए। राजेंद्र नगर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, 100% एजुकेशन वाले लोग हैं। उसके बाद हम तो खुद हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, हम खुद क्वारंटाइन हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मगर शासन का भी तो है कि नहीं जिम्मेदारी। ये देखा था कि मार्च में जब भारतीय जनता पार्टी ने जब इंदौर अपनी शपथ सदस्यता की थी, तो ये उन्होंने कहा था कि कोरोना काल के बाद हमने, हमारी पार्टी ने आकर मध्य प्रदेश में कोरोना को बचाया है। तो कहीं देखा जा रहा है कि अब कोरोना के मरीज और बढ़ रहे हैं। कोरोना के मरीज बढ़ाए हैं इनने अपने सत्ता लोपों के पीछे, कोरोना के मरीज बढ़ाए। आप देखिए तो सही, आप ये यहाँ इस कॉलोनी को सोचा था हमने कि कोरोना के 10-12 पेशेंट निकल जाएंगे, इनने कोरोना के मरीज बढ़ाए। टोटल इनकी लापरवाही, सिर्फ सत्ता का लाभ कैसे मिले इन्हें यह चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।